तो दोस्तों इंडियन रेलवेज इंडिया के लोगों का मनपसंद मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, पर जब भी हम ट्रेन में सफर करते हैं तो कुछ डिब्बे नीले होते हैं, कुछ हरे और कुछ रेड भी। पर क्या आपको इस कलर डिजाइन का रीजन पता है? तो सबसे पहले तो इंडिया की ट्रेन्स का सबसे कॉमन कलर ब्लू होता है और यही इंडियन रेलवेज की पहचान भी है। ब्लू कोचेस को इंटेग्रल कोच कहा जाता है, जो चेन्नई के पेरम्बूर में मौजूद इंटेग्रल कोच फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। इन कोचेस में मौजूद एयर ब्रेक्स इन्हें 70 से 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलने के काबिल बनाते हैं और नॉर्मली इंडिया की ज्यादातर ट्रेन्स पर यही कोचेस है। ग्रीन कलर के डब्बे गरीब रथ एक्सप्रेस में यूज किए जाते हैं। और बात करें रेड कोचेस की तो इन्हें LHB या फिर लिंक हॉफमैन बुश डिजाइन कहा जाता है। ये डिजाइन वेट में इंटेग्रल कोच से हल्का होता है, जिस वजह से इंडिया की ज्यादातर प्रीमियम ट्रेन जैसे कि शताब्दी, राजधानी और दुरंतो में इसी डिजाइन के डब्बे यूज किए जाते हैं। एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील के बने होने की वजह से ये कोचेस 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच सकते हैं और ये ज्यादा सिक्योर भी होते हैं। तो अगली बार आप कभी भी ट्रेन में बैठना तो एक बार ये जरूर नोटिस करना कि ट्रेन के डब्बों का कलर क्या है।